हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मतलब भाई क्या है यार, ये क्या है, ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग हो रही। फैंस लोग सवाल कर रहे हैं और फैंस लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं और मुझसे कि भाई क्या बात है, आप वीडियो नहीं बना रहे उसके बारे में। क्या पठान मूवी की अनाउंसमेंट जो है 19 मार्च को होगी, क्या आप वीडियो बना कर बताओ भाई, क्या अनाउंसमेंट होगी या नहीं होगी, जो भी है आप भाई बताओ। आप सभी तो बोल रहे हैं तो दोस्तों मतलब बता दे आप सभी को। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई इस तरीके से आप लोग सवाल करते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन भाई ये सवाल सही नहीं है, क्योंकि पठान मूवी की अनाउंसमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको सुनकर बड़े बुरा लगे, लेकिन अगर ऐसा होता है और जो आप लोग चाह रहे हो कि पठान की अनाउंसमेंट हो जाए 19 मार्च को, मैं भी चाहता हूँ कि 19 मार्च को पठान मूवी की अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि भाई पठान मूवी की अनाउंसमेंट होने से सभी की खुशी जो है वो दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। और 19 मार्च को वैसे तो कुछ है नहीं, 19 मार्च को वायरेप की पहली फिल्म, इस साल की पहली फिल्म रिलीज हो रही है जो कि ये अर्जुन कपूर के साथ है और आप लोग जान ही रहे हो उस मूवी का वो मूवी 19 मार्च को रिलीज हो रही है। इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि इस मूवीज़ का अनाउंसमेंट होगा और भी टीजर के साथ। तो भाई मैं आप मेरी ओपिनियन मानो तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है। हाँ बड़े बड़े वेबसाइट ने दावा किए है कि 19 मार्च को अनाउंसमेंट होगा वो भी टीजर के साथ। तो भाई ऐसा होता है तो मैं मतलब मुझसे ज़्यादा खुशी हो सके तो किसी को नहीं होगी। मैं खुद उस दिन पटाखा फोड़ूंगा और ईद जिस तरीके से मैं सेलिब्रेट करता हूँ, ईद दिवाली उस तरीके से मैं सेलिब्रेट करूँगा। लेकिन भाई ये अनाउंसमेंट होगी ये कंफर्म नहीं है और ऑफिशियल भी कुछ नहीं है कि अनाउंसमेंट होगी। तो इसलिए उन फैंस से मैं कहना चाहता हूँ जो डाई हार्ड फैंस है, जो कि मतलब अनाउंसमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई अनाउंसमेंट नहीं करेगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, भाई दिल से मत लगाना इस बात को। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, और अगर हो जाए तो मतलब पूरा मतलब इंडिया में तबाही मच जाएगा भाई। इंडिया में ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह एक ही चीज नाम गुजेगी, वो है पठान। पठाना जो है सारे के फैंस हैं उनकी तो ईद दिवाली क्रिसमस सब कल ही हो जाएगी, मतलब 19 तारीख को ही हो जाएगी अगर हुई तो। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है नहीं होने का, क्योंकि भाई उस दिन कुछ खास है नहीं और मूवी जब 2022 में आ रही है तो इतना पहले हुआ ही अनाउंसमेंट नहीं करता। तो दोस्तों ये जो बात था मैंने आप लोग को बता दी, और मतलब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन नहीं हो सकती है उस टाइम, क्योंकि वीडियो मैं भी चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट उस दिन हो जाए, लेकिन अगर भाई नहीं हो तो ऐसा कुछ मत करना जिसके साथ